गौतम गिरी के पास। इन्होंने बहुत दिनों से गोल्डन रेटीवर एंड लैब्राडोर एंड बीगल ब्रीड कर रहा है एंड इन्होंने केसीआई का जो शो होता है वहाँ पे हैंडलिंग भी करता है, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। तो आज हम गौतम जी से बहुत कुछ जान पाएंगे। गौतम जी, आप कब से ब्रीडिंग कर रहे हो? मैं 2010 से करता हूँ। पहले तो नमस्कार, मैं गौतम गिरी फ्रॉम गोल्डन आइटम कैनल कोलकाता। जी जी। मैं 2010 से लैब्राडोर ब्रीडिंग फर्स्ट स्टार्टिंग किया था और 2012 में मेरा बड़ा भैया मतलब सौमेन सामंत उसके हाथ पकड़ के मैं प्रोफेशनली ब्रीडिंग पे आया और डॉग शो में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो 2012 में फर्स्ट गोल्डन रिट्रीवर ब्रीडिंग किया, स्टार्ट किया अपना ब्रीडिंग का। एक फीमेल लेके हम लोग कैंपेनिंग भी किया उस साल, चैम्पियन भी हुआ और लाइनअप भी बहुत सारा मिला और अच्छा अच्छा डॉग को उस टाइम में वो कॉम्पिटिट देखे वो विन किया था। और उस टाइम में मतलब मेरा किस्मत अच्छा है कि मेरा भैया का मतलब सौमेन सामंत का हेल्प में मैं थाईलैंड में जाके 12 दिन का एक हैंडलिंग का प्रैक्टिस मिला था मुझे मिस्टर सिक्सम पोचट, मिस्टर बॉय एशिया का जो वन ऑफ द बेस्ट हैंडलर, उसका घर में रहने का चांस मिला था। उसका पास 12 दिन का एक ट्रेनिंग पीरियड था, मैं वहाँ पे सीख के आया था। इसके लिए मतलब अभी भी मैं मिस्टर सौमेन सामंत को थैंक्स देना चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा तो उसका बहुत हेल्प था। अच्छा। और सर, ये गोल्डन रिट्रीवर का 2-3 लाइन होता है, तो एक आप कौन सा लाइन का ब्रीडिंग करते हो? मैं अभी तो फिलहाल अमेरिकन टाइप में फॉलो कर रहा हूँ। मैं पहले स्टार्ट भी किया था अमेरिकन से, बीच में थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा मार्केटिंग का क्रेज आता है ना, तो उस टाइम में थोड़ा व्हाइट गोल्डन का मतलब यूरोपियन गोल्डन का थोड़ा मार्केट अच्छा था, तो उस टाइम में सोचा था एक बार करके देखता हूँ, तो किया था लेकिन मज़ा नहीं आया। जो मज़ा अमेरिकन गोल्डन में है, मतलब जो डॉग बहुत कैरेक्टरली बहुत अच्छा होता है, रफ एंड टफ होता है, डरता नहीं है, दिखने भी बहुत सुंदर आता है, तो उसके बाद मैं फिर से अमेरिकन गोल्डन में कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। और सर, बेसिकली डिफरेंस क्या है अमेरिकन एंड यूरोपियन में? देखिए, डिफरेंस तो बहुत सारा है, मतलब ये तो कंट्रोवर्सी आ जाएगा ना, क्योंकि जो लोग पसंद करते हैं यूरोपियन वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मेरा अगर खुद का कुछ मानना है, मेरा खुद का जो ओपिनियन है वो मतलब यूरोपियन गोल्डन से अमेरिकन गोल्डन बहुत इजी है टैकल करना, मेंटेन करना, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है जो यूरोपियन गोल्डन में मतलब फीमेल में बोलिए उसका ब्रीडिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब जैसे हिट सर्कल जो उसका पीरियडिक सर्कल जो आता है बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, साल में एक बार, दो साल में एक बार आता है। और कैरेक्टर में भी थोड़ा मतलब मैक्सिमम हम सब नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम देखता है थोड़ा डरता है, ये सब है। अच्छा। हाँ, और मेंटेनेंस भी बहुत हाई है, सीधा बात है। अच्छा। लेकिन अमेरिकन गोल्डन में ये लोग मतलब ये टाइप का जो डॉग रहता है ये कभी डरता नहीं है, रफ एंड टफ होता है, मतलब आदमी के साथ भी बहुत मिलजुल जाता है और मेंटेन भी बहुत इजी रहता है, ग्रूमिंग भी बहुत अच्छा, मतलब फ्री रहता है सब कुछ। ये दोनों का मेंटेनेंस का थोड़ा अलग अलग है ड्यू टू फार के वजह से? हाँ, थोड़ा अलग है। इसका क्या फार ज़्यादा है अमेरिकन का या कम है? नहीं, अमेरिकन का क्या है, अमेरिकन का दिन में अगर मिनिमम वन टाइम अगर आप ब्लास्ट करेंगे तो उसका कोट पूरा स्ट्रेट रहता है, मतलब इजी टू मेंटेन रहता है। मैं जो हिसाब से करता हूँ, मैं कम से कम दिन में हर डॉग को, सब डॉग को एक बार करके ब्रश करता हूँ, ये करना ही पड़ेगा, कम से 15-20 मिनट आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, पर डॉग में। अच्छा। जिसका जैसा कोट है उसका हिसाब से करना पड़ेगा। जी जी जी। और ये अगर आप ठीक से कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उसका हेयर में कर्ली आ जाएगा, ये ज़्यादा आता है यूरोपियन में। अच्छा। यूरोपियन में ज़्यादा आता है, उन लोग का मतलब बहुत मेंटेन है, हम किया है 3-4 साल हम किया है करके मैं डिफरेंस में देखा हूँ। अच्छा। मतलब वो टफ है, मेंटेनेंस थोड़ा टफ है, और व्हाइट है तो उसको साफ क्लीन व्लीन करके रखना भी थोड़ा, ये भी बहुत मतलब ये होता है। और सर, ये दोनों का एनाटॉमी में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, एनाटॉमी में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हाँ, क्या डिफरेंस है, जो आप
यूरोपियन देखेंगे तो एनाटॉमी के हिसाब से बोलेंगे तो यूरोपियन थोड़ा सा आगे है अमेरिकन टाइप से, क्योंकि उसका जो फोर क्वार्टर्स रहता है, उसका जो पीछे का पैर का जो एंगुलेशन रहता है, उसका जो टेल सेटिंग रहता है टॉप लाइन के साथ, हाँ ये सब एकदम मैक्सिमम परफेक्ट रहता है। अमेरिकन टाइम में क्या होता है, अमेरिकन टाइम में फोर क्वार्टर्स अच्छा होता है, हेड अच्छा होता है, लुक अच्छा होता है, टेल थोड़ा हाई रहता है टॉप लाइन के हिसाब से, टेल थोड़ा हाई रहता है, पीछे का पैर का जो एंगुलेशन रहता है वो थोड़ा यूरोपियन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और कोट कंडीशन बेटर देन यूरोपियन, अमेरिकन टाइप इज बेटर देन यूरोपियन अगर आप ठीक से मेंटेन करेंगे तो। अच्छा अच्छा, नहीं फर का क्वालिटी मतलब एक तो होता है थोड़ा मोटा थोड़ा पतला, ऐसा कुछ फर में डिफरेंस है क्या दोनों? हाँ फर में डिफरेंस है, थोड़ा यूरोपियन का सॉफ्ट आता है, अच्छा सॉफ्ट होता है, अमेरिकन का थोड़ा मतलब हार्ड होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है मेंटेन के ऊपर। मेरा पास जो डॉग्स है मैं आपको दिखाऊंगा, देखने से आपको पता चलेगा टोटली हार्ड सब अमेरिकन टाइप है, लेकिन आपको देखने से पता चलेगा फर का क्वालिटी, जे एक का थोड़ा थोड़ा हार्ड है वो मतलब ऐसे ही उसका है, और किसी का सॉफ्ट है, अच्छा ऐसा रहता है। ये आपका मतलब पैदाशी जो पैदाशी ऐसा जिसका जो जेनेटिक जैसा रहेगा ब्लड में उसका मतलब कोट वैसे ही रहेगा पूरा, अच्छा वैसे ही आएगा। और सर बहुत सारा गोल्डन रिट्रीवर जो अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो, वो जो टेल सेटिंग है आप लाइन के साथ थोड़ा सा डाउन हो जाता है एक, हाँ थोड़ा डाउन रहता है, वो डॉग क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें? नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये डिपेंड करता है मतलब ये जब ब्रीडिंग होता है ब्रीडिंग का टाइम में ये सब फॉलो करता है। मैक्सिमम आदमी को हम देखा है इम्पोर्ट का पीछे भागते, मतलब ब्रीडर को मतलब जिसका पास फीमेल है वो उसका चॉइस रहता है इम्पोर्ट मेल, बहुत सारा शो में विन किया है ऐसा मेल ये लोग चॉइस करता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि मेरा जो फीमेल है वो फीमेल का साथ फीमेल का जो टाइप है फीमेल का जो एनाटॉमिकली टाइप है उसका साथ कौन सा डॉग परफेक्ट रहेगा, अच्छा। ये नहीं देखता है मैक्सिमम ब्रीडर का ठीक से नहीं होगा मिलेगा नहीं, तभी टेल डाउन रहेगा, अमेरिकन का टेल ज़्यादा ऊपर चला जाएगा ठीक है, और यूरोपियन का टेल ज़्यादा डाउन रहता है, देखने में अच्छा नहीं रखता है, यही फर्क रहता है। और दादा ये बेसिकली ये दोनों का एनाटॉमी में कुछ डिफरेंस रहता है क्या गोल्डन मतलब आपका गोल्डन में जो यूरोपियन एंड अमेरिकन में? हाँ 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 थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एज पर एनाटॉमिकली यूरोपियन गोल्डन थोड़ा बेटर है, अच्छा ठीक है, उसका एकदम परफेक्ट रहता है, मतलब उसका फोर क्वार्टर्स, उसका पीछे का पैर का जो एंगुलेशन, उसका टेल सेटिंग एज पर टॉप लाइन ठीक है, ये थोड़ा अच्छा ठीक ठाक रहता है, अच्छा। लेकिन अमेरिकन गोल्डन में क्या है ये भी ठीक है क्योंकि दोनों का टाइप तो अलग है तो कभी मिलेगा नहीं दोनों का, फिर भी आंखों के देखने से मतलब यूरोपियन थोड़ा अच्छा लगता है। अमेरिकन में क्या रहता है, अमेरिकन का भी फोर क्वार्टर्स अच्छा रहता है, पीछे का पैर का एंगुलेशन थोड़ा कम रहता है देन यूरोपियन गोल्डन, और यूरोपियन का गोल्डन का जो अच्छा जो है मतलब टॉप लाइन का साथ उसका टेल कैरिंग, ये अमेरिकन में भी रहता है लेकिन मैक्सिमम अमेरिकन डॉग थोड़ा हाई कर लेता है, उसका टेल सेटिंग एज पर टॉप लाइन थोड़ा ऐसा हाई रहता है और यूरोपियन का ऐसा स्ट्रेट रहता है, यही फर्क है और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। फर्क जो ज़्यादा फर्क है वो कैरेक्टर में है ठीक है, अमेरिकन गोल्डन मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाता है देन यूरोपियन गोल्डन, मतलब अपना अपना जगह पे सब सही है, जैसे बना हुआ है ब्रीड वैसे ही है। तो एक तो मतलब सुना ही देता है कि जो डॉग बैठता है तो वो थोड़ा बाइटिंग का इशू आता है, क्योंकि डॉग जब बाइट करता है वो डर के वजह से ही करता है। हाँ हाँ। तो ये इन दोनों जो आपका रिट्रीवर है अमेरिकन हो चाहे आपका यूरोपियन हो, इसमें कुछ बाइटिंग का इशू है क्या, मतलब बाइट करता है? नहीं मैं अभी तक तो देखा नहीं हूँ, मैं इतना साल मतलब 10 साल का ऊपर हो गया हूँ तो कभी मैं ऐसा देखा नहीं हूँ, मतलब अपने से भी फाइट नहीं करता है। अच्छा मैं अभी किसी में भी नहीं देखा हूँ। हाँ शो में बीच में एक दो में देखा हो कि गोल्डन वो यूरोपियन भी करता है अमेरिकन भी करता है, लेकिन वो ट्रेनर एंड मतलब ओनर का कैसे वो लोग कीपिंग करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैरेक्टर। अच्छा नेचुरली ये लोग ऐसा टाइप का होता ही नहीं, टोटली फ्रेंडली होता है, फैमिलियर होता है। तो ये दोनों डॉगों में से एज मतलब जो लेग पीछे का पैर का पिस्टन का प्रॉब्लम ये दोनों में आता है या कुछ अमेरिकन में ज़्यादा या यूरोपियन में ज़्यादा ऐसा कुछ है? नहीं दोनों में ही दिखाई देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ब्रीडिंग के ऊपर। अच्छा। मतलब ब्रीडर कैसे ब्रीडिंग कर रहा है, जो ब्लड लाइन जो है उसका पीछे में कैसा कैसा डॉग है ये सब देख के ब्रीडिंग करना चाहिए। ये जो पैर का प्रॉब्लम आता है ये टाइप में नहीं आता है, मतलब अमेरिकन में ज़्यादा आता है या यूरोपियन में ज़्यादा है ऐसा बात नहीं है। ये बनता है ब्रीडर का गलत ब्रीडिंग से। जी ये बनता है ब्रीडर का गलत ब्रीडिंग से। जी 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 एकदम सीधा बात है। अच्छा और सर ये
पर्टिकुलर अमेरिकन एंड यूरोपियन उसका जो पेपर बनता है उसमें मेंशन रहता है? नहीं, यही लेके मतलब आज भी हम लोग जब बहुत सारा लोग जैसे हम सोचे हम अभी अमेरिकन गोल्डन करते हैं और एक मेरा दोस्त वो यूरोपियन करते हैं, ठीक है, जज जो आता है किसी जज को पसंद है यूरोपियन टाइप, यूरोप से जो जज आता है उसका पसंद यूरोपियन टाइप है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इस जज के अंदर अमेरिकन गोल्डन लेके जाऊंगा तो जीतेगा नहीं, क्योंकि उसको तो पसंद ही है यूरोपियन टाइप। वैसे भी जैसे अमेरिकन कंट्री से अगर लैटिन अमेरिकन का कोई जज आता है तो उसका पसंद नेचुरली रहेगा अमेरिकन गोल्डन पे, तब जो जो लोग यूरोपियन करते हैं वो आता नहीं है। तो मुझे लगता है इसी जगह पे केसीआई को थोड़ा सोचना चाहिए, ये जो जैसे गंडक ग्रुप में गोल्डन आता है लैब्राडोर आता है अमेरिकन कॉकर इंग्लिश कॉकर ये जो डिवाइड है, वैसे मुझे लगता है गोल्डन में भी अमेरिकन गोल्डन यूरोपियन गोल्डन डिवाइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब एक अमेरिकन गोल्डन का होगा, एक यूरोपियन होगा, लैब्राडोर आएगा, वैसे ही अमेरिकन कॉकर स्पेनियल इंग्लिश कॉकर स्पेनियल, जैसे ये दोनों में कॉकर स्पेनियल में जैसे डिफरेंट है अलग अलग बीओबी होता है, वैसे गोल्डन में करना चाहिए, इससे अच्छा होगा। जज भी जब जज करेंगे तो उसी हिसाब से जज करेंगे ना, यूरोपियन से आए यूरोपियन जज आएगा तो वो यूरोपियन जब जजिंग करेगा गोल्डन, उसी जज जब अमेरिकन गोल्डन जजिंग करेगा तो उसी हिसाब से करेगा। तो सर आप लोग जानकार हो इस बारे में, मान लो कोई बंदा अगर सोच लो अगर मैं मेरे पास उतना जानकारी नहीं है, मेरे पास अमेरिकन भी है यूरोपियन भी है, हम मिक्सअप कर लिया दोनों को, अच्छा, दोनों में मिक्सअप हो गया और दोनों का बच्चा पैदा हुआ और हमने किसी रजिस्टर भी कर लिया, तो वो बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आएगा? आ सकता है क्योंकि टोटली तो जीन पूल अलग हो जाएगा, जीन टोटली अलग होता है, ठीक है। तो मतलब आप थोड़ा देर पहले हमको पूछा कि जो पैर का प्रॉब्लम, हम बोला कि बीडर का ब्रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसे ब्रीडिंग होगा तो प्रॉब्लम आएगा ही, बाइट में प्रॉब्लम आएगा, टेस्टिकल में प्रॉब्लम आ सकता है, पैर में प्रॉब्लम आ सकता है, जेनेटिकली बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये व्यूअर जो आपका वीडियो देख रहा है वो लोग को कैसे समझ में आएगा कि ये आपका मिक्सअप नहीं है, ये आपका प्योर अमेरिकन लाइन से है या आपका ये प्योर यूरोपियन लाइन से है? अच्छा, ऐसा कुछ देख के पता चलने का कुछ राज है, मतलब रास्ता है? हाँ, इसके लिए तो पेपर रजिस्ट्रेशन का बात आता है ना, मतलब आप जब भी पप्पी खरीदो तो उसको पेपर ध्यान से देखो, पेपर होना चाहिए, फादर का पेपर मदर का पेपर, चाहो तो फादर मदर दोनों को देखो, देखना चाहिए। हम जो ब्रीडिंग करता है हमारा जो कस्टमर जब आता है पप्पी लेने, हम फादर को भी दिखाता है मदर को भी दिखाता है, दोनों को दिखाता है, दोनों का पेपर भी दिखाता है उसको। आपको देखना पड़ेगा कि फादर प्योर अमेरिकन है कि नहीं या प्योर यूरोपियन है कि नहीं, वैसे ही मदर प्योर अमेरिकन या प्योर यूरोपियन है कि नहीं, उसका पेपर में देखिए, पेपर का जनरेशन पूरा यूरोपियन का यूरोपियन रहना चाहिए, अमेरिकन का अमेरिकन रहना चाहिए, ये देखना चाहिए। उसके बाद पेपर मतलब मिलेगा आपको, ये आपको 100% कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ये बीडर से मुझे पेपर मिलेगा, तो इसी हिसाब से मैं कहता हूँ जब पप्पी लीजिए तो इसी हिसाब से लीजिए, तब बाद में सब सही रहेगा। तो गौतम दा आप जो बात बोल रहे हो ये जानकार आदमी के लिए पेपर एक ये है कि हमको पता है ये कौन सा लाइन है कौन सा लाइन है, अगर फर्स्ट टाइम जो ओनर रहेगा वो अगर पेपर देखेगा, पेपर को देख के उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं, सही बात है, तो उसको सर क्या करना होगा? उसको पहले पेपर में तो सर कोई अमेरिकन या यूरोपियन कोई मेंशन नहीं रहता। सही बात है, सही बात है, मैं तो बताता हूँ। हाँ, वो बोलो सर। उसके लिए खाली गोल्डन नहीं, जो जिसका जो ब्रीड पसंद है आप देखो वो ब्रीड का ब्रीडर कौन सा अच्छा है आपके एरिया में, मतलब आपका सिटी में। आपको अगर पप्पी खरीदना है, देखिए पप्पी जो खरीदता है एक बड़ी खरीदता है लाइफ में, ठीक है, पैसा एक बड़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, बाकी महीना का खर्चा सेम रहता है। आप एक 10,000 का पप्पी खरीदो या 50,000 का पप्पी खरीदो, अच्छा पेडिग्री वाला 50,000 का पप्पी खरीदो, लेकिन आपका जो मेंटेनेंस हर महीने रहता है वो सेम ही रहता है। आप 10,000 का पप्पी खरीद के लेके आएगा ड्राई फूड या होममेड फूड खिलाएंगे, चिकन राइस जो भी खिलाइए, आप 50,000 लेके आएंगे तो उसको भी आप ड्राई फूड खिलाएंगे तो या होममेड फूड खिलाएंगे, खर्चा सेम रहता है। मैं हर टाइम सबको बोलता हूँ जब इन्वेस्ट करेंगे अच्छा ब्रीडर के पास जाइए, अच्छा पेडिग्री वाला पप्पी लीजिए, पैसा ज़्यादा लगेगा दीजिए लेकिन जेन्युइन लीजिए, कोई बोकार या पेट सब में मत जाइए। इधर जाएंगे आपको कुछ पता नहीं है, आपको बाद में पेपर नहीं मिलेगा, जो अच्छा पेट सब है वो जेन्युइन काम करता है वो आपको मिल जाएगा पेपर, लेकिन आधा से ज़्यादा आपको ऐसा ही होगा। अच्छा, और मेन जो फर्क है कलर में तो फर्क है आपका, एक तो लाइट आएगा और एक तो डीप आएगा, ये छोड़ के तो और कुछ नहीं, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तो आप लोग एक खान पान क्या देते हो डॉक्टर अपना? हम तो टोटली ड्राई फूड में रखते हैं। अच्छा, टोटली ड्राई फूड में रखते हैं। मैं ज़्यादा मेडिसिन में डिपेंड नहीं करता हूँ, मैं डॉग को साफ सुथरा रखता हूँ, एक्सरसाइज डेली मैं खुद अपना हाथों से देता हूँ, मेरा कोई ट्रेनर नहीं है, मैं खुद ट्रेनर हूँ अपना डॉग के लिए, मैं डेली एक्सरसाइज देता हूँ,
पानी ठीक से पिलाता हूँ डॉग को, मिनिमम मेरा अपना एक एक डॉग पर डे 4 लीटर पानी पीता है, हर डॉग 4 लीटर पानी पीता है, और ड्राई फूड अच्छा खासा ड्राई फूड मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये अगर मेंटेन करेंगे तो आपका डॉग सही रहेगा। बहुत सारा आदमी को मैं देखा हूँ, विटामिन्स देता है डेली, कैल्शियम देता है डेली, ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब मैं तो, मेरा तो ज़रूरत नहीं पड़ा, अच्छा खाना दिया, मेंटेन किया, एक्सरसाइज दिया, डॉग एकदम ठीक है, पूरा तंदुरुस्त है। और सर ये आप जो डॉग रखते हो, पर्टिकुलर मैं गोल्डन का ही बात कर रहा हूँ, ये आपका एसी में रहता है या नॉन एसी में रहता है? नहीं, 24 आवर्स एसी, थोड़ा कॉस्टली है गोल्डन, थोड़ा कॉस्टली है। 24 आवर्स एसी मेरा जो कैनल है, कैनल में मेरा सिस्टम ऐसा है, आप देख सकते हैं, उसमें मैं दो अल्टरनेटिव एसी लगा के रखा हूँ, मतलब एवरी 4 आवर्स वो एसी अल्टर करके चलता है। अच्छा, ठीक है। इसमें एसी भी अच्छा रहता है और इन लोग का भी पूरा टाइम एसी में रखता हूँ, पूरा टाइम। लेकिन सर अभी आप एक कॉन्ट्रोवर्सियल बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडिया, तो आप लोग जब डॉग शो में जाते हो, चाहे आपका कलकत्ता हो, चाहे आपका कहीं भी हो, कोई भी स्टेट का डॉग शो हो, वहाँ पे सब ग्राउंड में होता है, ठीक है। तो आप सुबह से लेके चल जाते हो, और आपका नंबर कब आएगा ये आपको पता नहीं है, एक घंटा बाद भी आ सकता है, 5 घंटा बाद भी हो सकता है, और उस टाइम धूप में आपका डॉग अगर एसी में अगर 24 आवर्स रहेगा तो वो ग्राउंड में जाके वो कैसे परफॉर्मेंस करेगा? सही बात है। मैक्सिमम हम लोग का जो इंडिया में शो होता है वो विंटर में होता है, और हम लोग प्रेफर करते हैं आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर से लेके मैक्सिमम जनवरी एंड तक हम लोग शो करते हैं। हम कभी कोई किसी पे कैंपेनिंग नहीं करते कि मुझे ऐसे ब्रीड ऑफ द ईयर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, हम इसमें विश्वास नहीं करते। मेरा डॉग अच्छा है, मेरा डॉग शो में जाएगा, हार जाएगा, हारने से मेरा डॉग खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद डिपेंड करता हूँ ब्लड लाइन पे। अगर ब्लड लाइन अच्छा रहेगा तो पपीस उसका अच्छा होगा, उसका जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसका जेनरेशन अच्छे से अच्छा कंटिन्यू होगा। हम लोग जब हम क्या करते हैं बीच में, मतलब एसी में 24 आवर्स रहता है, लेकिन अल्टरनेट करके, अल्टरनेट डे करके 2 या 3 डॉग को अल्टर करके प्रैक्टिस कराता है। तो आज जो 3 प्रैक्टिस करेंगे उसको क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में 1 घंटा छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरा ग्राउंड फ्लोर में स्पेस है, वहाँ पे मैं 1 घंटा एसी से निकाल के छोड़ देते हैं, 1 घंटा के बाद एक एक करके प्रैक्टिस कराता है। आफ्टर प्रैक्टिस उसी जगह पे 1 घंटा फिर छोड़ देते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से एडजस्ट होगा, उसके बाद वो रूम पे जाएगा। और मेरा एसी का जो रूम का टेम्परेचर रहता है 24 रहता है, अच्छा टोटली 24 रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एकदम जब बहुत गर्मी रहता है हम लोग का कलकत्ता में, उसी टाइम में 2-3 महीना हम कोई प्रैक्टिस नहीं देता है। अच्छा, डॉग को। अच्छा, और सर ये अपना डॉग को फास्टिंग का भी कुछ करते हो क्या, फास्टिंग के लिए? मतलब शो में तो खाना मना उस टाइम ठीक से नहीं होता है, जब शो अटेंड करने जाओगे तो उसका फास्टिंग का भी हैबिट रहता है क्या डॉग का? अच्छा, हम इसी मैटर में थोड़ा दूसरे से अलग है। बहुत सारे बंदे को देखा है डॉग को बिना खाना खिलाए शो में लेके जाता है, उन लोग का अलग अलग लॉजिक है, बोलता है कि वो भूखा रहेगा तो बेटिंग ठीक से लेगा, खाना देख के वो परफॉर्मेंस करेगा, ये करेगा बोलता है। लेकिन मैं अभी तक अपना डॉग को बिना खाना खिलाए शो में लेके नहीं गए। सुबह 5 बजे हम लोग के इधर में कलकत्ता में अगर शो होगा, जहाँ पे कहीं पे भी शो होगा, 10 बजे के पहले शो शुरू नहीं होता है। हम क्या करता है, सुबह 5 बजे उठ के उसका जो खाने का शेड्यूल रहता है, समझ लीजिए 200 ग्राम्स सुबह, 200 ग्राम्स रात को खाता है, हम सुबह 5 बजे उसको 50% खाना खिला देते हैं। उसके बाद उसको 5 आवर्स मिल जाता है, तो डॉग भूखा नहीं रहता है, उसका गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अभी आपका डॉग ठीक से प्रैक्टिस, पूरा साल बाकी साल अगर ठीक से प्रैक्टिस होगा ना, तो रिंग पे भी वो आपका साथ प्रैक्टिस देगा, आपका साथ साथ देगा, जैसे वो करता है वैसे रिंग पे भी करेगा। अच्छा, तो सर ये आप बहुत अच्छा एक तो टॉपिक उठाया, गैस का प्रॉब्लम, तो ये डॉग को आप अपना एंटासिड डेली बेसिस पे क्या प्रोवाइड करते हो आप? नहीं, हम एंटासिड यूज़ करते हैं जिस दिन शो में जाते हैं उसी दिन सुबह में, एक मतलब 10D 10/40 ऐसा कुछ, कोई भी कैप्सूल्स, OMSD ऐसा कुछ कोई भी कैप्सूल सुबह में खाना के साथ खिला देते हैं, ताकि शो का जो चलता है सारा दिन कोई खाना नहीं देता है हम लोग, क्योंकि उस टाइम में खाना खाएगा तो डॉग दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं सुबह में उसका 50% खाना खिला देता हूँ, बाकी दिन ट्रीट्स जो उसको मिलते रहता है ना, लीवर फीवर जो उसमें, मतलब 100-150 ग्राम सारा दिन में थोड़ा थोड़ा करके उसको मिल जाता है खाना, तो इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। फिर शाम को वो जब होटल में आते हैं या घर में आते हैं तो उसको एकदम पेट भर के खाना देते हैं। अच्छा, पूरा
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा, तो डॉग का जब गैस का प्रॉब्लम होता है तो यह तो आपका घर में भी हो सकता है, हो सकता तो है। ये गैस का प्रॉब्लम जब होगा डॉग का तो वो कैसे समझ में आएगा कि डॉग का गैस का प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, ये आपको समझ में आएगा जो बंदा डॉग को डेली खाना देता है, डॉग का पॉटी साफ करता है, जो बंदा करता है उसको ही पहले मालूम पड़ेगा कि ये डॉग का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अभी तक 10 साल हो गया हूँ, मैं अभी तक सुबह का शाम का खाना मैं खुद देता हूँ अपना हाथों से, छोड़ता हूँ, पॉटी करता है एक एक डॉग करके, हम पूरा ध्यान देता है कौन डॉग कैसा पॉटी कर रहा है। तो आपको खाना खाने का स्पीड और पॉटी देख के आपको पता चलेगा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा अच्छा, मेरा यहाँ भी हुआ है, कभी देखा कि ये डॉग बहुत तेज खाता है लेकिन ये थोड़ा धीरे खा रहा है, क्यों? जब पॉटी किया, सॉलिड पॉटी करता है, थोड़ा सा लूज किया है, मतलब इसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब उसके ऊपर ध्यान देता है क्या प्रॉब्लम आता है, ध्यान देने से वो ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा, और आप लोग दिन में कितना टाइम खाना प्रोवाइड करते हो? मैं तो दिन में 2 बार देता हूँ। अच्छा। हाँ, 2 बार देता हूँ, मतलब 9 महीना हो जाता है उम्र, आफ्टर 9 मंथ्स मैं सब डॉग को 2 टाइम्स खाना देता हूँ। अच्छा। और 9 महीना का पहले, मतलब 3 to 9 मंथ्स मैं दिन में 3 बार खाना देता हूँ, जो पपी ग्रोइंग पपी रहता है उसको दिन में 3 बार खाना देता हूँ। जी जी जी। और सर, एवरेजली एक फीमेल को कितना बार हीट आता है ईयरली? देखिए, हिसाब साइकिल हिसाब से साल में 2 बार आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, अभी ये मैं 5 साल 6 साल पहले भी देखा हूँ कि ठीक से हीट आता था, अभी क्या होता है, आप देखिएगा जो चिकन हम बाज़ार से लेके आते हैं ये सब में मैक्सिमम स्टेरॉयड यूज होता है, जो ड्राई फूड हम लोग देते हैं इस मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव रहता है। तो जो फीमेल मेरा पास, मतलब 4 साल पहले भी उसका हीट साइकिल साल में 2 बार आया है, उसका अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ कि उसका साल में 8 मंथ्स या 9 मंथ्स गैप में आता है, मतलब अभी साल में और 2 बार नहीं आता है, मतलब 8 से 9 महीना का गैप हो जाता है एक हीट साइकिल सर दूसरा हीट साइकिल में। तो ये क्यों होता है, ये आपका खाने के वजह से? मुझे लगता है ये खाने के वजह से होता है। तो इसको तो कोई सुधार तो हो नहीं सकता है? ये सुधार, क्योंकि आप होममेड फूड देंगे तो आपको चिकन देना ही पड़ेगा, आप चिकन देंगे तो उसमें ये जो ब्रॉयलर का जो चिकन होता है तो इसमें ये सस्ता मिलते हैं, तो इसमें तो आपका स्टेरॉइड पुश होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये जो ड्राई फूड आता है, ड्राई फूड में भी आपका प्रिजर्वेटिव रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है ये सब का कुछ रीज़न है इसके साथ। अच्छा अच्छा। और सर, ये जो आप बहुत अच्छा बात की है, एक अच्छा ब्रीडर उनका मान लो साल में 2 बार आपका हीट आ रहा है उसका फीमेल का, हाँ, तो कितना बार उसका हीट का मतलब बच्चा लेना चाहिए? एक ऑथेंटिक जो ब्रीडर होता है उसको साल में कितना बार बच्चा लेना चाहिए? देखिए, मैं एक फीमेल के ऊपर, हाँ, मैं साल में एक फीमेल का एक ही बार बच्चा लेता हूँ। इसका बहुत सारा रीज़न है। क्या रीज़न है? एक ब्रीडर दो तरह का होता है, एक मतलब पपी मिल ओनर जो कहता है, जो मतलब बच्चा होगा, बच्चा बेचो, खाओ, पैसा खाओ, और दूसरा टाइप का जो ब्रीडर होता है वो चाहता है कि अच्छा पपी इस मार्केट में आए, शो में जाए, नाम कमाए, वो शो में विन करेगा तो अपना नाम भी एज ए ब्रीडर पूरा इंडिया में स्प्रेड होगा। तो ये इसीलिए मैं क्या करता हूँ, साल में एक फीमेल का एक ही बार हिट पकड़ता हूँ, इसीलिए मेरा पास 5-6 फीमेल है, मैं इन लोग को अल्टर करके ब्रीडिंग करता हूँ। कभी भी एक साल में आप देखिएगा मेरा घर में कभी भी रिपीट ब्रीडिंग या सेम फीमेल का साल में 2 बार ब्रीडिंग आप कभी नहीं देखेंगे। अच्छा। मेरा ऐड आता है फेसबुक में, जब भी लीटर आता है ऐड आता है, ठीक है। मैं आपको मेरा अभी भी जो अभी मेरा ब्रीडिंग का एक मेल आपको दिखाऊंगा, जो सनी बोल के है, कलकत्ता में बहुत फेमस है अभी, गोल्ड एड एम सनी, वो मेरा इम्पोर्ट का बेटा है। तो उसका अभी उम्र है 20 मंथ्स, उसका मम्मी का अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फिर से रिपीट ब्रीडिंग करने का आफ्टर 20 मंथ्स, मतलब 2 साल, नियर अबाउट 2 साल मैं उसको ब्रीडिंग नहीं किया हूँ। मैं अभी उसको पूरा 2 साल में उसको छोड़ दिया हूँ, मैं अभी उसको प्लानिंग कर रहा हूँ फिर से रिपीट ब्रीडिंग करने का, क्योंकि इतना टाइम जो रेस्ट मिल गया उसको, जो आफ्टर बर्थ जो रिकवरी होना चाहिए बहुत टाइम उसको मिल गया, अभी उसको मैं पपी उससे कराऊंगा तो मुझे लगता है अभी क्वालिटी पपी फिर से निकलेगा। अच्छा, ये जो गैपिंग आप लोग देते हो, एक साल का चाहे 1.5 साल का चाहे 2 साल का जो भी हो, ये जो गैपिंग के वजह से क्या अच्छा प्रोड्यूस होता है? हाँ जरूर, एकदम प्रोड्यूस भी अच्छा होता है, पप्पी का जो क्वांटिटी होता है ना लीटर में वो भी अच्छा होता है। अच्छा, और मेल भी आपके पास है क्या? हाँ, मेल भी मेरा पास है। और सर, एक तो बहुत लोग ये मान के चलता है और नहीं भी मानता है बहुत लोग, एक मेल बहुत सारा लोग है कि वो स्टार्ट देता ही रहता है, महीने में 5 गो 10 गो जो भी है देता है, और बहुत लोग है वो बाहर में स्टार्ट ही नहीं देता है,
लाइक मी, ठीक है। तो वो लोग का कहना है स्टार्ट जितना कम देगा उसका उतना प्रोड्यूस रेट हाई होगा एंड क्वालिटी पॉप्स उसका प्रोड्यूस होगा, ये क्या सच है या गलत है? मेरा सोच थोड़ा अलग है। कैसा? मेरा पास भी इंपोर्ट मेल है, मैं अभी तक उसका बाहर में एक भी मीटिंग नहीं दिया हूँ। सर एक मीटिंग दिया हूँ, वो भी मतलब अच्छा ब्रीडर है, मिस्टर सौरभ चौधरी को दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि उसका पास जो फीमेल है वो फीमेल क्वालिटी फीमेल था, अच्छा ब्लड लाइट का फीमेल था, तो इसलिए मैं एक ही अभी तक उसका एक ही मीटिंग बाहर में दिया हूँ, वो मिस्टर सौरभ चौधरी को दिया हूँ। उसके बाद मेरा इम्पोर्ट के लिए बहुत सारा ऑफर आया है, बहुत सारा, लेकिन मैं दिया नहीं हूँ बाहर में अभी तक, आगे में नहीं दूंगा। मेरा इसके इस वजह मैं आपको कह दूं, मेरा और भी दो इंपोर्ट आने वाला है इस साल, दो गोल्डन इंपोर्ट आने वाला है, और अगला साल मेरा और एक लैब्राडोर मेल इंपोर्ट आने वाला है, ठीक है। वो यूक्रेन से आएगा लैब्राडोर इंपोर्ट जो मेल है, और मेरा जो गोल्डन मेल आएगा वो चाइना से आएगा। अच्छा, वो इस साल आ जाएगा। तो मेरा लॉजिक है जो बाहर में मैं मेटिंग दूंगा अदर्स फीमेल को, तो उसका क्या क्वालिटी है? मैं अपना घर के लिए अच्छा अच्छा ब्लड लाइन का, अच्छा खासा ब्लड लाइन का फीमेल स्टॉक करके रखा हूँ, और मैं इसको साथ यूज़ करके देखता हूँ कि इसका अच्छा अच्छा पपीस हो रहा है। बाहर में क्या प्रॉब्लम होता है, हम मतलब किसको छोटा नहीं कर रहा है, हम बोल रहे हैं बाहर में क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा ब्रीडर मतलब इम्पोर्ट का स्टार्ट ले लिया, लेके चला गया, जब पपीस हुआ तो पपीस वो जब सेल करता है ना, तो वो क्या करता है मतलब अच्छा खासा मतलब होम देख के कभी कभी सेल नहीं होता है, कि बहुत आदमी का बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, किसी का थोड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम रहता है तो कम पैसे में पपी सेल कर देता है, किसी को होम चूज करने में थोड़ा गलती हो जाता है। अभी इसका रिजल्ट तब नहीं आएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, जब एक पपी 6 to 8 months होगा। छोटा में हर पपी एक जैसा लगता है आपका, सब अच्छा लगता है, सब खाना अच्छा से खिलाओ, इतना मोटा मोटा रहता है, सब अच्छा लगता है, लेकिन 8 महीना होने में एक पपी का क्वालिटी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या ब्लड लाइन है, क्योंकि तब उसका बॉडी का पूरा चेंज जाता है। तो अभी सोचिए बाहर हम जब ब्रीडिंग करता है तो हम क्या करते हैं, मेरा घर का जो ब्रीडिंग रहता है मैं अच्छा होम देख के देता है, नहीं मिलता है घर में पपी स्टॉक हो जाता है, रह जाता है, हम सेल नहीं करता है, घर में ही रख लेता है, ठीक है। बाहर का ब्रीडर क्या करता है, मैक्सिमम ब्रीडर, बहुत सारा ब्रीडर ठीक मेंटेन करता है, वो बहुत सोच समझ के पपी सेल करता है, सोच समझ के चूज करके घर में डालता है, लेकिन मैक्सिमम ब्रीडर क्या करता है, फटाफट सेल कर देता है। अभी वो पपी सोचिए एक होम में गया है, वो लोग ठीक से मेंटेन नहीं कर पाया, तो पपी 8-9 महीने जब हुआ दूसरा आदमी या 100 का ग्राउंड पे वो पपी आया, समझ लीजिए बहुत सारा आदमी रहेगा, पूछेगा ये किसका पपी है, ब्लड लाइन क्या है, तब बोलेगा वो मेल का है, तब क्या होगा, आदमी देख के बोलेगा अरे बाबा वो मेल का इतना घटिया पपी है। तब रिजल्ट तो आपको 8-9 महीना में मिलेगा, अभी बाहर में मीटिंग दे दिया, पैसा आ गया, स्टार्ट फीस मिल गया, बहुत खुश, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अभी है ये 8-9 महीने में आपको रिटर्न आएगा, अच्छा रिटर्न या बुरा रिटर्न तब आएगा। अच्छा, इसी ये मेरा सोच है, इसीलिए आप लोग नहीं देते हो? हाँ, इसलिए मैं नहीं देता हूँ। जी जी जी, कलकत्ता में बहुत सारा मेरा दोस्त लोग है, उसका पास इम्पोर्ट मेल है, वो लोग देता है मार्केट में, लेकिन मेरा लॉजिक ये है, मुझे बहुत सारा आदमी बोला है आपका वो दोस्त का पास इम्पोर्ट मेल है, वो देता है, वो देता है, आप क्यों नहीं देते हैं? हम बोला भाई नहीं, मेरा पास बहुत सारा फीमेल का स्टॉक है, आपको पप्पी लेना है मेरा घर से लो, इसी मेल का लेना। और एक होता है क्या, मान लो थोड़ा मतलब उतना क्वालिटी का फीमेल नहीं है एकदम, हाँ, तो वो आप पैसा दे के अच्छा इम्पोर्ट से स्टार्ट ले लिया और महंगा बेचने लगा डॉग, हाँ। उसके बाद बच्चे का कुछ फॉल्ट आएगा या आएगा, तो आपका भी नाम या जो ब्रीडर से ले रहा है स्टार्ट उसका नाम तो खराब होने का चांस 100% है। ब्रीडर से ज्यादा देखिए, जब पपी एक पपी अच्छा होता है तब क्या रहता है, वो उसका जो फादर रहता है उसका फादर का नाम आता है, मतलब उसका फादर बोलता है किसका पपी है, मेल, वो मेल है, तो मेल का अच्छा होता है, मतलब नाम होता है। जब पपी खराब निकलता है तो बदनाम मेल का ही होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रीडर का आएगा, कौन ब्रीडर है, ब्रीडर अच्छा नहीं है, ये सब रहता है। और एक तो जब बच्चा प्रोड्यूस होता है उसका उसमें फादर का कितना कंट्रीब्यूट रहता है, मदर का कितना कंट्रीब्यूट रहता है? देखिए एक लीटर में जो पपी होता है, फादर तो स्पर्म छोड़ देता है खाली पपी होने के लिए, लेकिन अगर 100 में हिसाब करेंगे तो मैक्सिमम मदर का साइड डिपेंड करता है, डोमिनेट करता है। अच्छा। इसीलिए मदर अच्छा होना चाहिए, अच्छा खासा ब्लड लाइन का होना चाहिए, उसका पीछे में उसका फादर, उसका जनरेशन, उसका मदर, मदर का मदर साइड का जो जनरेशन सब स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो उसका पपी अच्छा होगा ही होगा, आप चाहे ब्रीडिंग इंडिया मेल यूज़ कर लीजिए, लेकिन मदर को अच्छा होना पड़ेगा सबसे अच्छा, क्योंकि 60-70% डोमिनेट करता है मदर।
एक लीटर में पप्पी कैसा होगा। अच्छा मतलब फीमेल अच्छा होना ही चाहिए, एकदम अच्छा होना ही चाहिए। आप अभी कोई भी ब्रीडिंग का ब्रीड का आप इंडिया में देख लीजिए, जो अच्छा अच्छा ब्रीडर है उसका फास्ट खाली फीमेल का स्टॉक देखिए, वो लोग आपका ग्रोइंग पप्पी जो मतलब सेमी एडल्ट मेल सेल कर देगा, एडल्ट मेल सेल कर देगा। कभी कोई अच्छा ब्रीडर को देखेंगे कोई सेमी अच्छा सेमी एडल्ट फीमेल या एडल्ट फीमेल सेल नहीं करेगा, जी कोई अच्छा ब्रीडर नहीं सेल करेगा, घर में रख लेगा। और सर ये जो बच्चा होता है कितना दिनों से आप बात वो आप लोग स्टार्टर स्टार्ट करते हो बच्चे को पप्स को? हाँ, मैं जब पप्पी होता है मैं 10 डेज फ्रॉम 10 डेज पप्पी का जो एज रहता है 10 दिन, तो मैं उसी दिन से रॉयल कैनिन मिल्क यूज़ करता हूँ, ठीक है। साथ में मम्मी का जो मादर्स मिल्क चलता ही है, रनिंग रहता है, ये मैं अप टू 28 डेज ओल्ड तक कंटिन्यू करता हूँ। आफ्टर 28 डेज ओल्ड मैं उसको स्टार्टर मतलब स्टार्ट करता हूँ, तब वो जो रॉयल कैन मिल्क जो हैंड मिल्क देता है वो बंद कर देता हूँ। उसके बाद वो मदर्स का जो मिल्क तो चलता ही चलता है और साथ में स्टार्टर चालू करता हूँ। अच्छा, और बहुत सारा सर ब्रीडर कहता है कि जब बच्चा होता है बच्चे को जो मदर स्टार्टर दिया जाता है उसका माँ को भी वैसा ही सेम मदर स्टार्टर दिया जाता है, क्योंकि वो उसके वो बच्चे के लिए कुछ हार्म ना हो, चाहे बच्चे का कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना आए, ऐसा ये क्या सच है सर? हाँ सच है, ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। मतलब जब बच्चा प्रोड्यूस होने के बाद हाँ। माँ को भी जो खाना दिया जाएगा हाँ। बच्चे को भी वही खाना देता हूँ। मतलब 28 डेज आफ्टर जो पप्पी जो खाना खाएगा उसी खाना में आफ्टर बाद मम्मी को भी देता हूँ। अच्छा। और सर एक तो बात है, पर्टिकुलर मैं गोल्डन का ही बात कर रहा हूँ, एक अगर मान लो जानकार आदमी नहीं है, कोई फर्स्ट टाइम ओनर है आपके पास आ गया, वो कैसे देख के समझेगा ये अच्छा क्वालिटी है, ये बात में शो में उतर सकता है या नहीं, ऐसा कुछ देख के पता चलने का कुछ सीक्रेट है सर? मतलब पप्पी को या पप्पी को नहीं, देखिए हम लोग का पास मेरा पास तो जो आता है मतलब विश्वास करके ही आता है, क्योंकि वो विश्वास मेरा जो गुडविल है मार्केट में वही देख के ही आता है। अभी तक वो मतलब उसका जो रेटिंग है ऊपरी है, मतलब मैं हर टाइम कोशिश करता हूँ वो मेंटेन करने का। अभी भी आप मार्केट में कभी कैसी जगह पे नहीं सुनेंगे कि मेरे से पप्पी लिया अभी तक पेपर नहीं मिला। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा घर पे अभी भी 10-15 पेपर पड़ा हुआ है जिसका 8-9 महीना हो गया है लेकिन पेपर अभी तक ओनर ने कलेक्ट नहीं किया। मैं उसको कितना बार मैसेज करता हूँ कि आप पेपर ले लीजिए, पेपर इधर से उधर हो जाएगा, बाद में आपको जब याद आएगा तब आप हमसे मांगेंगे, हम मिलेगा नहीं दे नहीं पाएंगे तब मेरा बदनामी करेंगे। तो मैं ये सब ओनर को मतलब बुला के देता हूँ, या पोस्टल एड्रेस दे दीजिए मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। तो ये जो गुडविल है ये सुन के आता है कि भरोसा करके आता है, और जो भरोसा करता है मतलब यह से अच्छा ही पपी मिलेगा। तो और ख़राब पपी अगर मेरा आँखों में लगता है जी हाँ, देखिए हर लीटर में सब पपी अच्छा नहीं निकलता है, मतलब सो के लिए बहुत सारा पेटों में आता है। हम बोलता है नहीं कि खराब पपी मतलब ये नहीं कि उसमें खराबी है, खराब पपी मतलब एज पर सो, मतलब सो का हिसाब से सो में एक डॉग जाएगा, एक जाएगा जाके एक इसका जीतेगा, और ये उसी लीटर में और पपी होता है, एक दो पपी होता है जी ये सो में जाएगा लेकिन दूसरा का साथ कॉम्पिटिट करके नहीं जीत पाएगा। जी जी। तो ये बहुत सारा पेट होम आता है, जिन लोग को सो के साथ कोई ये नहीं है, कनेक्ट नहीं है, वो लोग सो पसंद ही नहीं करता है। बहुत धूमधाम से पप्पी लेके जाता है, बहुत धूमधाम से मतलब घर में पूजा जब एंट्री होता है पूजा करता है उसका, ये सब करता है, हम देखा है बहुत सारा आदमी को बिस्तर पे अपना साथ लेके सोता है। तो ये विश्वास से आता है, हम लोग उसी मतलब जगह पे डिपेंड करता है कि इसको जो विश्वास करके आता है विश्वास सही रखने के लिए। नहीं, ये तो एक अच्छा ब्रीडर ही करेगा ना, कि मान लो अगर उल्टा सीधा ब्रीडर होगा वो तो बोलेगा भाई सारा बच्चा ही अच्छा है, वो तो बोलेगा नहीं कि भाई ये शो के लायक नहीं है, ये शो के लायक है, वो तो बोलेगा भाई सारे के सारे। तो यही के मतलब यही कारण है कि अच्छा ब्रीडर के पास जाना चाहिए। एकदम यही कारण है अच्छा ब्रीडर के पास जाइए, पप्पी लीजिए, उससे आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, पप्पी का कॉस्ट हाई होगा। लेकिन बहुत सारा ब्रीडर का गलती नहीं है, गलती जो ओनर का है जो पप्पी खरीदने जाता है, वो जब पप्पी खरीदने जाता है पैसा का हिसाब देखता है। अभी लैब्राडोर मार्केट में अच्छा ब्रीडर के पास जाइए उसका रेट बहुत हाई है, लेकिन लैब्राडोर पप्पी मार्केट में और जगह पे मिल रहा है 10,000 में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो पप्पी खरीदने जा रहा है उसको चूज करना है कि भाई हम जब कोई शर्ट खरीदने जा रहा है तो एक ब्रांडेड शर्ट का तो प्राइस अच्छा होगा, नॉर्मल दुकान में कम होगा, तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा लेना है, तो वो प्राइस वो जो हाई है उसका क्वालिटी भी हाई है। जी 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 तो यही फर्क है।
और सर एक गोल्डन गोल्डन रेटीवर जो अमेरिकन लाइन का है, ऑल ओवर इंडिया में अच्छा ब्रीडर के पास अगर आप जाओगे, कोई भी ब्रीडर, तो एवरेजली प्राइस सर कितना से स्टार्ट होता है लगभग लगभग? अगर मान लो बी आई डॉग का होगा, बी आई डॉग का एक रेट है, अगर उसका बाप अगर उसका लाइन में अगर इम्पोर्ट लाइन है तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, अगर बी आई होता है तो कितने से लगभग लगभग स्टार्ट होता है? देखिए हमारा अभी कलकत्ता का जो सिचुएशन चल रहा है, आपका ब्रीड इन इंडिया, अच्छा ब्रीड इन इंडिया का, मतलब जिसका पीछे मदर फादर भी इम्पोर्ट लाइन का कैरी कर रहा है, मतलब बोथ मदर एंड फादर, तो ऐसा होगा तो गोल्डन का मिनिमम 30,000 से स्टार्ट होता है। उसके नीचे आप जाइएगा तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है पपी में। हम कहता हूँ जो लेना है एक बार ही लेना है, अच्छा लीजिए। और अगर इम्पोर्ट में जाइएगा, मतलब बोथ साइड इम्पोर्ट, तो आप 1 लाख का ऊपर जाना पड़ेगा। और वन साइड मतलब इम्पोर्ट, फादर इम्पोर्ट, मदर इम्पोर्ट का बेटी है, ऐसा होगा 60-70-80 ऐसा तो होगा, एकदम होगा। तो सर आपके पास अभी कोई लीटर हुआ है क्या? नहीं, मेरा पास अभी कोई लीटर हुआ नहीं है, लेकिन प्लानिंग है। अच्छा, मेरा पास प्लानिंग है, वो अभी देखते हैं आगे में कैसे क्या होता है। एक तो मार्केट में कहावत भी है, आप लोग जब बहुत सारा लीटर होने के पहले ही बहुत सारा बुकिंग आपके पास आ जाता है, आपका बहुत जानकार लोग आपसे आपको बोल के रखता है कि भाई मेरा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, एक आप लोग कैसे मेंटेन करते हो ये? हाँ, मेरा पास ऐसा बहुत सारा इंक्वायरी आता है, ठीक है, बहुत सारा आता है। मैं जो जेन्युइन कस्टमर रहता है वो लोग वेट करता है, कोई इंक्वायरी आया तो मैं उसको बोल दिया कि अभी 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, आफ्टर 6 मंथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए। तो वो जेन्युइन कस्टमर मतलब वो वेट करता है, वो 6 महीना बाद ही लेगा, लेकिन मेरे से ही लेगा, ठीक है। तो ऐसा कस्टमर रहता है। और मैं खुद जब पपी होता है तो मैं कोई एडवांस नहीं लेता हूँ किसी का, मैं उसको बोलता हूँ वेट कीजिए 40 डेज तक, क्योंकि मैं 42 डेज के बाद फर्स्ट वैक्सीनेशन करता हूँ। आफ्टर 45 डेज 50 डेज मैं पपी का एनाटॉमिकली मैं देखता हूँ, क्योंकि उस टाइम आप स्टैक कर सकते हैं, पपी टेबल पे स्टैक होगा, स्टैक होने से उसका मूवमेंट में, उसका पैर का मूवमेंट, टेल कैरिंग, ये सब पता चलता है आफ्टर 50 डेज। तो वो जब होता है तब उसके बाद सिलेक्ट होता है ये पपी लीटर में बेस्ट है, ये सेकेंड बेस्ट है, ये थर्ड बेस्ट है, ऐसा सिलेक्ट होता है। तो उसी हिसाब से जो कस्टमर का भी जो ये रहता है लाइन रहता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, ऐसा तब हम देते हैं। जो फर्स्ट कांटेक्ट करता है उसको फर्स्ट ऑप्शन देते हैं, जो सेकंड आता है उसको सेकंड देते हैं, ऐसा ऐसा रहता है जी। और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, और मतलब क्या करना चाहते हो आप ये पर्टिकुलर गोल्डन को लेकर, चाहे कोई भी ब्रीड को लेकर, क्या करना चाहते हो, आपका पाइपलाइन में क्या है? और देखिए मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मेरा और दो गोल्डन आ रहा है, एक मेल एक फीमेल आ रहा है, वो चाइना से आ रहा है और बहुत ही अच्छा टॉप कैनल से आ रहा है। तो और उसके बाद लैबराडोर आ रहा है अगला साल, एक मेल आ रहा है, अभी वो पप्पी है, तो यूक्रेन से आ रहा है वो अगला साल आएगा। तो अच्छा मैं फॉलो करता हूँ विनिंग नहीं, मैं फॉलो करता हूँ अच्छा ब्लड लाइन, जो कौन सा ब्लड लाइन अच्छा पप्पी थ्रो कर रहा है, तो उसी देख उसको फॉलो करके मैं उसी लाइन का पप्पी बुक करता हूँ, जैसे गोल्डन में भी किया हूँ और लैबराडोर में भी किया हूँ। तो आप अच्छा लाइन लेके आओगे, आपका इधर का जो फीमेल का लाइन रहेगा स्ट्रॉन्ग, तो अच्छा प्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये जो आप थोड़ा देर पहले बोला कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ये नहीं आएगा, थोड़ा रेक्टिफाई होगा। मेरा कोशिश आगे भी मतलब ये था और बाद में भी ऐसा ही रहेगा। तो ये जो व्यूअर आप लोग देख रहे हो, आप लोग गौतम दा से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गौतम दा का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जिनको पप्स चाहिए गौतम दा से आप ले सकते हो, लेकिन आपको वेट करना होगा। जल्दबाजी में जल्दबाजी करोगे तो गौतम दा से नहीं मिलेगा। और गौतम दा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि डॉगीज लाइफ को आज गौतम दा इतना बिजी शेड्यूल में टाइम दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपका चैनल और भी आगे जाए, आपका डॉग और विनिंग करे, आपका नाम और पूरा इंडिया जान पाए।